हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे महिंद्रा XUV 300 के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में काफी सारे अपडेट मैं आप लोग के साथ पहुंचा चुका हूँ, बट आज एक नया अपडेट है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अब क्या है, महिंद्रा XUV 300 काफी बार स्पाइड हो चुकी है, इसके टेस्ट व्यूज को काफी बार देखा जा चुका है। अब जो पहले से इसके टेस्ट व्यूज को हमने काफी बार स्पॉट किया है इंडियन रोड्स के ऊपर टेस्ट होते हुए, वहां पर जो है इसका टॉप स्पेक वेरिएंट हमें देखने के लिए मिला था, बट अब क्या है इसका एक मिड वेरिएंट हमें देखने के लिए मिल चुका है। और वो भी ऐसे पता चलता है कि जो पहले हमें टेस्ट व्यूज देखने के लिए मिला था उसके ऊपर रूफ के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ था जो कि कैमोफ्लेज के अंदर था, जिससे ये पता चलता है कि महिंद्रा XUV 300 के अंदर हमें अडास फीचर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जो अभी टेस्ट होते हुए हमें टेस्ट व्यू देखा गया है, स्पाइड हुआ है, उसके अंदर हमें इस तरीके का जो कैमोफ्लेज है उसके अंदर किसी भी टाइप का जो बल्ब है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जिससे ये पता चलता है कि दिस इज द मिड स्पेक मॉडल ऑफ महिंद्रा XUV 300। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो अभी जो इसका पूरा लुक है उसके अंदर कोई भी हमें चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं एज कम्पेयर टू द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। अब क्या है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल के अंदर हमें नए जो अलॉय व्हील्स थे वो देखने के लिए मिल गए थे, बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो जो अलॉय व्हील्स हैं वो जो करंट जनरेशन के अंदर भी फिलहाल में ऑफर किए जा रहे हैं, एग्जैक्टली वो ऑफर किए जा रहे हैं 16 इंचेस के। हालांकि टॉप स्पेक मॉडल के अंदर हमें 17 इंचेस के डुअल टोन अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, बट यहाँ पर हमें नॉर्मल अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं करंट जनरेशन वाले। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, एक चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी कि मिड स्पेक मॉडल के अंदर भी ना आपको मिल जाते हैं इसके सेम सॉर्ट ऑफ हेडलैम्प्स जो कि हमें टॉप ऑफ द लाइन मॉडल के अंदर मिलने वाले हैं, और ये कुछ XUV 700 वाले लग रहे हैं। साथ ही ये काफी ज्यादा लंबे और वर्टिकली इसको बनाया गया है, साथ ही प्रोजेक्टर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। पर एक चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ना, कि हमें किसी भी टाइप का फॉग लैंप हमें यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रहा। अब मुझे ये एक्सपेक्टेशन हो रही है कि जो फॉग लैंप की हाउसिंग है ना, वो शायद हेडलैम्प के जस्ट लोअर ही उसी के अंदर प्लेस की जाएगी, जो कि आजकल कंपनीज करती जा रही है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसका जो पूरा लुक है, साइड लुक वगैरह, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें नजर नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली जो प्रोफाइल है वो सेम है एज जी जो हमें करंट जनरेशन के अंदर मिलती है। वहीं अगर हम इसके रियर प्रोफाइल देखें तो रियर भी एग्जैक्टली सेम है जो हमें टॉप स्पेक मॉडल के अंदर देखने के लिए मिली थी, यानी कि जो हमें कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप मिलने वाला है वो सेम यहाँ पर ऑफर किया गया है, तो वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो महिंद्रा इसके अंदर एडास फीचर्स देने वाला है, और वो इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि एक तो हमें यहाँ पर बल्ब देखने के लिए मिला था इसके टॉप ऑफ द लाइन मॉडल के अंदर। साथ ही अगर अभी आप देखेंगे तो सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर से वेन्यू ऑफर कर रही है, साथ ही किया सोनेट आने वाली है और वो भी हमें एडास फीचर्स के साथ में देखने के लिए मिल जाएगी। सो यहाँ पर भी हमें एडास फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है एडास फीचर्स की। साथ ही अगर बात करें इंजन ऑप्शन की, तो हमें यहाँ पर 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, साथ ही 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन यहाँ पर मिलने वाला है, और AMT ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही मैनुअल मिलेगा, और अभी ये भी रूमर है कि हमें यहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर भी देखने के लिए मिल सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, बट जैसे ही कुछ भी फाइनलाइज हो जाएगा वही मैं आप लोगों तक जरूर शेयर कर दूंगा। सो ये था मेरी तरफ से एक अपडेट रिगार्डिंग दी ऑल न्यू XUV 300 फेस लिफ्ट, और आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं फॉर दिस कार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।